मैं हूं आपका मेजबान इत्तेजाब भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पर्सनल से मौजूद है समान पार्क में इमरान खान साहब की रहायशगा में। और यहां पे मैं खड़ा हूं किसी जमाने में इस चौक का नाम मुर्शद चौक पड़ा हुआ था और यहां पे सैकड़ों की तादाद से कारकुनान हमेशा आपको नजर आते थे। लेकिन आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडिया के तीन चार शख्सियत के अलावा, एंकर पर्सन के अलावा कोई भी दूसरा शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। समान पार्क जो है बिल्कुल इस वक्त खाली हो चुका है और ये जो है मैं इस टाइम गेट नंबर 2 के ऊपर खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की ये जो रास्ता है रहायश गाह की जानिब जाता है। किसी ज़माने में यहाँ पे सैकड़ों के लिहाज से रहायश चाहने वाले इमरान साहब के यहाँ मौजूद होते थे, जो उनके गेट को चूमते थे, जो उनके यहाँ पे नाम उनके नाम की आवाज़ें लगाते थे, इमरान खान जिंदाबाद। लेकिन अब वो वक्त है यहाँ पे कि एक शख्स भी यहाँ पर ऐसा मौजूद नहीं है जो उनकी रहायशगाह से बाहर मौजूद हो। और ये आपको जो सड़क मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वो रोड है कि अगर आप यहाँ पे कभी समान पार्क में आप आए हों तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे होते थे, चाय के स्टॉल यहाँ पे लगे होते थे, यहाँ पे फलों के स्टॉल लगे होते थे, यहाँ पे जो है सिगरेट के बिस्किट के स्टॉल लगे होते थे। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उजाड़ फिर चुकी है समान पार्क के अंदर। कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ के रहायशी हैं वो भी बाहर नहीं नजर आते, बहुत कम हमें नजर आते हैं, वो भी अपने घरों के अंदर ही रहते हैं। लेकिन अब वो सीन बिल्कुल भी नहीं है जो आज से ठीक 20-25 दिन पहले यहाँ पे ना आपको नजर आता था कि कारखानों ने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की टोलियाँ लगाई होती थी, यहाँ पे कोई मुख्तलिफ शहर से कारखाने आए होते थे, कोई मुख्तलिफ जो है जिलों से यहाँ पे कारखान के यहाँ पे रैलियाँ आती थी यहाँ पे। लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो चुका है यहाँ पे। मेरे पीछे आपको कैमरा मैन दिखाएगा, मैं उस जाने अब जा रहा हूँ कि ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि समान पार्क है, ये वही समान पार्क है जहाँ पे दूर दराज से आए हुए एमपीएस जो टिकट के लिए यहाँ पे आते थे, उनके यहाँ पे ये जो है डेरे लगे होते थे मुख्तलिफ शहरों से, मियांवाली से, उसके बाद कश्मीर से, जनूबी पंजाब से, तमाम लोगों के कैंप्स जो हैं इसी समान पार्क के अंदर होते थे। लेकिन अब जो है समान पार्क को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पार्क जो है बिल्कुल खाली है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी ऐसा कारकन आपको नज़र नहीं आएगा जो आपको लगे कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ यहाँ के रहायशी यहाँ पर मौजूद हैं, कोई और दूसरा शख्स यहाँ पर नहीं है, कोई और कारकन यहाँ पर नहीं है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ रहायशी मौजूद हैं। इसलिए ये वो समान पार्क का मैंने आपको महले भू दिखाया यहाँ पे कि यहाँ पे किसी ज़माने में इमरान खान साहब के चाहने वाले सैकड़ों हज़ारों की तादाद में होते थे। इसी समान पार्क के अंदर ईद पे मेले लगे, रमज़ान में पूरा दिन यहाँ पे स्टॉल लगे। ये जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे रमज़ान के महीने में पराठों का स्टॉल लगता था, यहाँ पे सीरी पाया का नाश्ता मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है खाली ज़मीन है। वक़्त सदा नहीं रहते, वक़्त अगर वो वाला गुजर गया है तो वक़्त ये भी गुजर जाएगा। आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इमरान खान साहब अगर तो इस मुल्क के लिए पॉजिटिव हैं तो वो इंशाल्लाह ताला दोबारा डबल पावर से यहाँ पे आएंगे और उनके फॉलोअर्स एक दफ़ा दोबारा आपको यहाँ पे चहकते हुए नज़र आएंगे। वक्त सेम नहीं रहता, वो वक्त भी गुजर गया है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और इमरान खान साहब ने कहा है कि जल्द इंशाल्लाह ताला जो है मैं दोबारा जो है अपने कारकुनान की तवज्जो हासिल करूँगा। कारकुनान के लिए यहाँ पे उनको कहूँगा कि पुरअमन एहतजाज करें, क्योंकि पुरअमन एहतजाज जो है यह हक है। ये गली आप इस पर देख सकते हैं कि कितनी सुनसान है और किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत रात गए तक यहाँ पे रौनकें होती थी। कारकुनान यहाँ पे गप्पे मारते थे, यहाँ पे खुशगप्पियाँ लगाते थे, यहाँ पे बैठते थे यहाँ पे। लेकिन अब अफसोस के यहाँ पे कुछ भी नहीं है और समान पग जो है बिल्कुल उसी हालत में आ चुका है कि जब जिस हालत में यहाँ पे इमरान खान साहब ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया था। तो मैं दुआ कहूँगा इंशाल्लाह ताला कि अल्लाह अज़्ज़ा जल हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, हमारे हक में बेहतर करे। इमरान खान साहब अगर हमारे लिए बेहतर हैं तो वो दोबारा आएँ और उसी स्ट्रेंथ से आएँ, उसी पावर से यहाँ पर आएँ जिस स्ट्रेंथ और पावर से वो पहले हुकूमत के अंदर मौजूद थे। तो ये नाज़रीन, ये दोबारा एक दफ़ा आपको इमरान खान साहब की रहायशगाह में लेके आ गया हूँ और मेरे विषय आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वुकला की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आम कारकन यहाँ पर मौजूद हैं, जो कारकन यहाँ पे आते भी हैं वो यहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हम यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक बेहतर करे। इसके साथ ही अपने मेज़बान को जाते हैं बाप अल्लाह।